ओके okay. तो बच्चों कल हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो क्वेश्चन कुछ यूं था, 2a+b देन फॉर्मेशन ऑफ 3c, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी थी जहां पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, dA/dt दैट इज इक्वल टू a1 a into v। ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों ए एंड बी का। फर्स्ट आपको यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दे रखी थी रेट को लेकर, सेकेंड आपको दे रखी थी dB/dt, ये दे रखा था K2, ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये सेकेंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन थी dC/dt दैट इज इक्वल टू K3 एंड ए इंटू बी। मैंने पूछा था बच्चों होमवर्क में, ये था मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइनल कि आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। रिलेशन आपको बताना है कि गिवन इक्वेशन जो है यहाँ से आपका ये थर्ड है कि K1 K2 एंड K3 का रिलेशन क्या होगा, मैंने ये पूछा था, ठीक है। यस, तो इसका रिलेशन पूछा हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा, आंसर बने भी कुछ बच्चों से, ठीक है। तो चलो मैं, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ उसे, ठीक है। देखो डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो देखते हैं, बहुत ईजी है, अपन थोड़ा सा समझेंगे मैथमेटिकल जो भी पॉइंट्स हैं। तो बच्चों यहाँ से हम रेट लॉ बना सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ ये इक्वेशन आपको गिवन थी, तो यहाँ से हम रेट लॉ से इसका रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये -1/2 यहाँ से हो जाएगा dA/dt दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, नाउ दिस इज dB/dt। और बच्चों यहाँ से आपका सी आपका प्रोडक्ट है, ए बी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव टर्म मैंने यूज किया है, आपको समझ में आ रहा होगा नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और सी आपका यहाँ से प्रोडक्ट है तो इक्वल टू होगा प्लस के साथ, राइट, 1/3 dC/dt। ये तो रेट लॉस से मैंने यहाँ इक्वेशन डिफाइन कर दी। अच्छा फिर अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि बेटा K1 K2 K3 का रिलेशन चाहिए, तो मैं हमारे पास dA/dt है क्या, हाँ ये दे रखी है, हमारे पास dB/dt है क्या, हाँ बिल्कुल दे रखी है, और लास्ट में dC/dt भी आपको यहाँ से दे रखी है। और बच्चों प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इनक्रीज, ठीक है। गिवन ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स दे रखे हैं, पॉजिटिव टर्म का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव यूज नहीं किया गया है, इस नेगेटिव का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना, कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना रिएक्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो नेगेटिव टर्म को साथ में लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो नेगेटिव को मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, बिकॉज नेगेटिव का मतलब बेटा कैलकुलेशन नहीं है, नेगेटिव मतलब सिर्फ यह रिप्रेजेंटेशन है, राइट, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान दो ये, यस इट इज ए 1/2 K1 और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ए इंटू बी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू फिर dB/dt क्या है, ये दे रखा है, तो dB/dt को उठा के रखते हैं यहाँ से हम लोग, K2 नेक्स्ट ए इंटू बी, और लास्ट आपका यहाँ से, कुछ बच्चों ने ट्राई किया प्लीज बराबर साथ में ट्राई करो, आंसर बनेगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, इधर से 1/3 डीसी की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा K3 a into b, करेक्ट है। तो यहाँ से एक टर्म तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ab हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, देख लो ab टर्म तो यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा टर्म आपका यहाँ से हो गया कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 1/2, यहाँ से 1/2 into K1, यहाँ से बचेगा K2, यहाँ से बचेगा 1/3 into K3, यही बचेगा, करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 into K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1/3 into K3, ये बचेगा, ठीक है। और इसमें आपको फ्रैक्शन में डाटा नहीं दे रखा है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से 6 मुझे एलसीएम दिख सकता है, देखो 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 अगर पूरा मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K1 फर्स्ट में, सेकेंड में हो जाएगा आपका 6K2, लास्ट हो जाएगा आपका 2K3। तो जो रेशियो आपका है वो आपका यहाँ से निकल के आ गया 3:6:2, ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो दिस इज फाइनल रिलेशन, ये आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया। कितने बच्चों का आया था आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, यस परफेक्ट, मजेदार है,
सभी को लेके आओ बच्चों, सभी लोगों को लेके आओ, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं हम लोग बच्चों। मैथमेटिक्स और फिजिक्स को डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, हम लोग सिर्फ सिर्फ बच्चों केमिस्ट्री तक ही रहेंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स कुछ टर्म्स है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके मैथ्स के यहाँ पे बेसिक लॉग से लॉग वाले टर्म है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे लॉग आपको पता है एक्स की पावर एन क्या होगा, एन लॉग एक्स, ठीक है, बेस 10 के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी आपको पता है, एडिशन के साथ हम लिख सकते हैं, आपको पता होगा बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट है लॉग ए, क्योंकि अभी इनका यूज होने वाला है, ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन है तो आपका यहाँ से डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लॉग बी। इसी तरीके से लॉग बेस 10, 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये थोड़ी सी वैल्यूज हैं, आपको लॉग 10 तक आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे बच्चों में बात करते हैं लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, बेस 10 को लेके हम बात कर रहे हैं तो 0.3, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करो सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यही वैल्यूज आती है। यस बिल्कुल, मैं अगर बात करूँ लॉग बेस 10 3 की वैल्यू कितनी होती है तो 0.48, ठीक है, 0.4 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉग के बारे में ज्यादा बेटर बताऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे जितना है उतनी हम लेंगे। लॉग बेस 10 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.6 होती है। नेक्स्ट लॉग बेस 10 5, इसकी वैल्यू 0.7 होती है, ठीक है। यस, इसी तरीके से हम यहाँ पे लॉग के और भी टर्म्स ले सकते हैं। लॉग 6 की वैल्यू क्या होगी, लॉग बेस 10 6 की वैल्यू क्या होगी, 0.8 होगी, ठीक है, ये ध्यान रखो डायरेक्ट और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन बन जाएगा। लॉग बेस 7 की वैल्यू क्या होगी, 0.85। इसी तरीके से बच्चों अगर बात करते हैं लॉग बेस 10 8 की वैल्यू क्या होगी, 0.9, एंड लॉग बेस 10 9 की वैल्यू होगी 0.95, और लास्ट बच्चों आता है लॉग बेस 10 10 की वैल्यू आती है आपकी 1, ठीक है। तो कुछ लॉग के टर्म्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अपन इसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल लेते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको बेटर वे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, रिएक्शन दे रखी है बच्चों, स्मॉल ए कोफिशिएंट है, कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों स्मॉल बी इंटू वी। तो स्मॉल बी और स्मॉल ए क्या है, दोनों आपके कोफिशिएंट है रिएक्शन के, कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है, कैपिटल बी आपका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है लॉग डी ए डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग डी बी डिवाइड बाई डी टी प्लस 0.6, ये आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है। और क्वेश्चन में पूछा गया ए डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या होगी, ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो इसे। यस, देखता हूं मैं, है ना, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे फाइनल जो रिजल्ट पूछा है वो ए बाई बी के बारे में पूछा है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन पे अपन फोकस करते हैं। क्वेश्चन इजी है, मुझे ए बाई बी का रेशियो चाहिए, मतलब कॉफिशियंट का रेशियो, ना ए आपका कॉफिशियंट है, यहाँ पे बी भी आपका कॉफिशियंट है, मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँ। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है बच्चों, आप रेट लो, रेट लो यहाँ से, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन रिएक्शन है, इस गिवन रिएक्शन का आप रेट लो लिख लो, बहुत ईजी है। मैंने रेट लो लिखा, आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/a डी ए डिवाइड बाई डी टी। देखो प्लस माइनस का बेटा मतलब समझ में आना चाहिए, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, नथिंग एल्स, ठीक है, बस इतना ही है। इज इक्वल टू b के बारे में आते हैं तो आपका 1 डिवाइड बाई b और यहां से आपका हो जाएगा db डिवाइड बाई dt, करेक्ट है। ओके, अब इसके साथ यहां से नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट मैं ये लिख सकता हूं, जरा मैं इसको चेंज करता हूं पोजीशंस को, तो ये इस पूरे के पूरे टर्म की रेट लॉस इक्वेशन आ गई है, मैं इसको लिख सकता हूं ना da डिवाइड बाई dt दैट इज इक्वल टू db डिवाइड बाई dt, एनी प्रॉब्लम नहीं। मैंने a और b को एक तरफ लेके जाता हूं क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो मुझे यहाँ से दिख जाएगा, राइट, तो यहाँ से a डिवाइड बाई b ये हो जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से बताओ, मैंने सिर्फ इन दोनों को कंपेरिजन करा है, ये आपकी वैल्यूज यहाँ से बन गई है, बताओ जरा ये कन्वर्जन समझ में आया सभी को, इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ से जो इक्वेशन में, हाँ इक्वेशन में जो ऊपर ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन बच्चों कंपेरिजन करने के लिए दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे da बाई dt मिल गया है, ये भी देखो da बाई dt है, मुझे db बाई dt मिला है, db बाई dt ये मिल गया है, लेकिन log साथ में है तो log से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी तरफ, तो log से अपन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से टर्म क्या बन जाएगा,
टर्म बच्चों सिर्फ इतना बन जाएगा कि यहाँ से आपका हो जाएगा log dA by dt. देखो क्वेश्चन इजी है पर समझो कॉन्सेप्ट को ध्यान से, ठीक है. इज इक्वल टू ये हो जाएगा log dB डिवाइड बाई dt और यहाँ से मल्टीप्लीकेशन है a बाई b का इसके साथ, तो यहाँ पे आप एडिशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस log a डिवाइड बाई b. एनी प्रॉब्लम नहीं. नाउ वी विल कंपेयर, कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन से. तो गिवन इक्वेशन में 0.6 को जरा कंपेयर करो तो log a बाई b से रिलेट हो रहा है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे log a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 0.6. एनी प्रॉब्लम? सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट. अच्छा अब यहाँ से a बाई b की वैल्यू निकालें अपन तो क्या होगा? तो बेटा 0.6 वैल्यू जरा बताओ लॉग में किसकी थी, 0.6 वैल्यू अराउंड किसकी आ रही थी? अरे लॉग में 0.6 वैल्यू किसकी आ रही थी? एंटी लॉग लेने वाली बात नहीं होगी ना. तो यहाँ से 0.6 वैल्यू 4 की आ रही थी, राइट. बिल्कुल सही. तो हम बोल सकते हैं ना डायरेक्ट यहाँ से कि a बाई b दैट इज इक्वल टू 4. a बाई b दैट इज इक्वल टू 4. यही तो मुझसे पूछा गया है, तो 4 इज द आंसर. बताओ बिल्कुल कोई डाउट? क्वेश्चन फिनिश हो गया? कितने लोगों से बनता जरा ये बता दो मुझे, रेज योर हैंड्स प्लीज. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यस क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है, इसको भी ट्राई करना है. यहाँ दे रखा है एक रिएक्शन है बच्चों ए से बी कन्वर्जन, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है. मैं यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की वैराइटीज करा रहा हूँ मैं, ठीक है. क्वेश्चन बच्चों ग्राफ कुछ यूं दे रखा है, ये आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ से ए है, ए आपका रिएक्टेंट दिख रहा है ना, ए इज ए रिएक्टेंट, बी इज ए प्रोडक्ट, करेक्ट. तो यहाँ से बच्चों मान लेते हैं ये आपका बी का ग्राफ है, बी आपका प्रोडक्ट है, टाइम के रिस्पेक्ट में बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और ए का आपका डिक्रीज करेगा, अपन ने वैसे ले लिया. नीचे बच्चों टाइम है सेकेंड के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम दे रखा है इधर एक्स एक्सिस पे सेकेंड में और ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन है मोलरिटी. इधर जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा मोलरिटी के अंदर, है ना, कैपिटल एम के. तो देखो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 0.6 कैपिटल एम है, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट जाके यहाँ पे इसको टच कर रहा है और क्वेश्चन जिस तरीके से दे रखा है अपन वैसे इसको लिखेंगे. यस ये वैल्यूज यहाँ पे इसकी 60 सेकंड है, यहाँ पे 40 सेकंड है, यहाँ पे 0 है और इसके साथ यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है दी आपकी है 0.3 कैपिटल एम मोलरिटी. ग्राफ समझ में आ गया होगा? ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है. ओके नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, दूसरा केसी क्या होगा. अब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में केसी आया होगा. अब सोचो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चैप्टर का पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, पूछ क्या रहा है, केसी पूछ रहा है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? चैप्टर कोई और, क्वेश्चन कहीं और से पूछेगा, यही तो कनेक्टिविटी फिजिकल में आनी चाहिए. अगर यही नहीं आई ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी. ट्राई करो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ. चलो देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कितना इजी था, आप लोगों ने थोड़ी सी गलती कर रखी है. क्या है भाई, ऊपर तो रिएक्शन दे रखा है ना, इस रिएक्शन को इधर लेके आ जाओ, ठीक है. रिएक्शन में हमें रेट लिख लेते हैं जरा, आर इज इक्वल टू फॉरवर्ड को लेके, ठीक है. तो क्या होगा, डी बी डिवाइड बाई डी टी लिख लिया और 1/n का मल्टीप्लीकेशन भी होगा, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए. अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख लें, इसको हम ऐसे भी लिख लें, अगर रिएक्टेंट ए है तो ए के साइड से लिख लो, जैसा लिखना है उस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो रेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/n डी बी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है. प्लस माइनस का सिंबॉलिक टर्म आपको पता है, वो जबरदस्ती यूज नहीं करना है ना, वो यूज करके गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, जबरदस्ती यूज नहीं करना है, ठीक है. चलो ये रेट की इक्वेशन हो गई. अब जरा ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ से अपन चेक करते हैं. तो ग्राफ में अगर चेक करें तो मुझे बताओ डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी मुझे क्या मिलेगा और डी बी बाई डी टी, इन्हीं की वैल्यूज को देखना है. तो चलो बच्चों डी ए बाई डी टी जरा चेक करो, ए डी ए ए ए चेक करो, ए मतलब यहाँ पे राइट, ये वैल्यूज आपको दिख रही है. अरे ए की वैल्यूज ये दिख रही है और रिएक्शन हमारी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे दिख रही है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो ए यहाँ पे पहुंच चुका है, अरे बताओ यहाँ पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा ए. तो ए की वैल्यू कौन सी लेनी है मुझे, कौन सी लेनी है, 0.3, बिल्कुल सही, 0.3 डिवाइड बाई डी टी अपन कितने ना, डी टी डी टी कितना है, जब ये 0.3 पे पहुंचा तो देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे नीचे टाइम कितना था, 60 हो गया, 60 इज इक्वल टू इधर आ जाओ 1/n डीबी, डीबी बच्चों कितना लेना होगा, यहाँ देखो डीबी ये पोजीशन है और ये जा रहा है सामने 0.6, तो 0.6 हो गया सीधा.
डिवाइड बाई डी टी, डी टी बताओ जरा मुझे, डी टी कितना, ये रहा नीचे सीधा 60 पे ही आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे आपका 14 60। बस इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर लो यार, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, नीचे वाला टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट तो था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ये टर्म तो पहले कैंसिल कर लो, सिर्फ डिविजन ही था बच्चों, एन तो इधर ले जाओ 0.3 नीचे ले जाओ, डेसिमल डेसिमल बाहर निकल जाएगा सीधा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सीधी 2। क्या सभी को समझ में आया, एन की वैल्यू 2 निकल के आ गई, ये क्लियर हो गया। अभी केसी निकालना बाकी है, तो केसी कैसे निकाला जाए, तो देखो बच्चों केसी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं केसी इज इक्वल टू, भाई केसी अपन कैसे निकालते हैं बताओ जरा, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को लेकर हम कैसे निकालते हैं भाई, इसको निकालना सीधा सा है, जो इसका हम अभी अभी देखो रिएक्शन मॉडिफाइड हो सकती है, रिएक्शन मॉडिफाइड कैसे हो सकती है, यहाँ पे गलती नहीं कर सकते आप, रिएक्शन मॉडिफाई यूं हो सकती है कि एन की वैल्यू 2 आ गई ना, तो एन की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर लो, तो आपको परफेक्ट इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा 2 की, रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधा केसी, केसी कैसे निकालते हैं बताओ, केसी निकालेंगे बी जो कॉफिशियंट है उसकी पावर, समझ में आया, 2b2 ये पावर में जाएगा, जो बी का कॉफिशियंट है, नीचे क्या होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन है, मेरी बात समझ में आ रही है, और बी और ए बच्चों क्या है, ये इक्विलिब्रियम टर्म में ही डिफाइन किए जा रहे हैं, तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो केसी टर्म है ना ये इक्विलिब्रियम पे तो डिफाइन होता है, तो ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। ओके अब बी पे आ जाओ, तो बी का बच्चों इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना था, कितना होगा 0.6 होगा, आप चेक करके देख लो, इसकी पावर 2 हो जाएगी। नीचे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, 0.3 होगा, जरा इसको सॉल्व तो करो, अरे सॉल्व करो बच्चों इसको, यस कितना आंसर आया 1.2 यस यस बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, यस 1.2 कितने बच्चों का आंसर आया, बिल्कुल सही 1.2 कितने बच्चों का आंसर आया था, रेज योर हैंड्स, क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था बताओ, एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ, बिल्कुल समीरा का आया था, यस गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिवीजन के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिवीजन करो ना, जब भी एग्जाम्स के टाइम आप रिवीजन करो तो इस क्वेश्चन को प्लीज रिवाइज करना, अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम को बहुत कनेक्ट करेगा, ठीक है, यस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज N2+3 mole ऑफ H2 नाउ फॉर्मेशन ऑफ 2 mole ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया, उसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है 0.001 किलोग्राम पर हावर, ठीक है, ओके, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2, ठीक है, इसका डिसअपीयरेंस इन डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है और यूनिट में दे रहा हूं किलोग्राम पर हावर, ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन आपको समझ लो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, टिपिकल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन देखो N2+3H2 है, 2 mole से अमोनिया का फॉर्मेशन, क्वेश्चन में है कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.001 किलोग्राम पर हावर, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन, और वहां पे आपको आंसर को फिल करना होगा, और यहाँ पे है किलोग्राम पर हावर में, यूनिट आपको दे रखी है मैंने, राइट, यस सॉल्व करो क्या आंसर आएगा, दीप्ति ने यहाँ पे सॉल्व किया है और आंसर निकाला है 0.1, वन सेकेंड, आप लोग सभी लोग ट्राई करो, अब देखो, यस अभी देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, जरा बताना कितने लोगों ने इस तरीके किया है, आर इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी इक्वेशन रेट लॉ से बना लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 प्लस निगेटिव वाला छोड़ दो, ठीक है, निगेटिव कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डी एच टू डिवाइड बाई डी टी, कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से आपका NH3, तो DNH3 डिवाइड बाई डी टी हो गया, क्योंकि इनके बारे में पूछा क्या है ना, तो बेवजह किसी और को लेने जरूरत नहीं है, N2 को आपको अमोनिया के बारे में बात करी जा रही है और H2 के बारे में, इन्हीं को लेके चलते हैं अपन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा DH2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2
इंटू डी एन एच थ्री डिवाइड बाई डी टी, इट इज क्लियर। और यहां से 3/2 इंटू डी एन एच थ्री, यहां से हम ले सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये कितना है 0.00 और यहां से 1, और ये आपका यहां से है केजी पर आवर के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1.5, और इसमें आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया 0.001। कितने बच्चों ने इस तरीके सॉल्व किया है बताओ जरा, जीरो हैंड्स प्लीज यार। क्वेश्चन को ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपने आप गड़बड़ी कर रहे हो, मेरी बात सोचो। जो रेट लॉ की इक्वेशन होती है ना, उस रेट लॉ की इक्वेशन के अंदर जो हम लिखते हैं DH2 डिवाइड बाई डी टी, डी एन एस थ्री डिवाइड बाई, ये सारे टर्म्स लिखते हैं, ये किस में होते हैं? क्या केजी में होते हैं? क्या केजी में होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्या केजी में होता है? अरे भाई साहब, उस केजी को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। आप तो यही गलती कर रहे हो ना कि आपने रेट लॉ बनाया, सीधा इक्वेशन को रख दिया और आंसर निकाल के बैठ गए इतनी जल्दी। ठीक है, तो R इज इक्वल टू जो 1/3 डी एच टू डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, जो रेट लॉ से इक्वेशन बनी थी, इज इक्वल टू 1/2 डी एन एच थ्री डिवाइड बाई डी टी बना था ना। अरे भाई आपने यहाँ गलती कैसी कर दी? गलती आपने नहीं करनी चाहिए ना, ये वाला टर्म क्या बोल रहा है ये बच्चों? बोल रहा है इसका यूनिट क्या होगा जरा बताओ मुझे सोच के, मोल टाइम इनवर्स। ऑब्वियसली या मैं बोलूं तो इसको मोल पर हावर भी तो बोल सकता हूँ, बिकॉज हमेशा मैंने बोला है ना मोल इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट? ये तो चेंज नहीं होने वाला। या फिर आप इसे मोलरिटी में लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मोलरिटी टाइम इनवर्स। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और इस मोलरिटी टर्म को मैं और कैसे लिख सकता हूँ भाई, मोल्स के टर्म में लिख लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, टाइम इनवर्स। तो भाई पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो गिविन डाटा है वो केजी के साथ है, तो क्यों ना उसे मोल्स में बदला जाए। मेरी बात समझ में आ गई, कहाँ गलती हुई आपकी? बस यही एक मिस्टेक यहाँ पे हुई थी। करते हैं सॉल्व, स्लो वर्क करता है ये, यस करेक्ट, ओके। अब देखो, अब यहां से निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डी एच टू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या 3/2, इक्वेशन वैसे ही बनेगी डी एन एच थ्री डिवाइड बाई डी टी। मुझे बस बेटा कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे कि जो ग्राम है ना, जो केजी है, उसको अपन मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3/2 इंटू यहां से क्या होगा, ये होगा 0.001 इंटू 10³ करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे आपको 17। अरे सिंपल सा फॉर्मूला पता है ना, अगर मोल्स निकालना है तो ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ना, क्लियर है ना बच्चों? ये केजी में दे रखा है ना, समझ में आया ये मैंने क्यों किया? यस, ये क्यों किया मैंने, ये आपको समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है। ये मोल पर हावर में हो गया है, ये आपके मोल पर हावर में हो गया है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हो गया। बस अब यार सीधा नीचे लेके आ जाओ डी एच टू डिवाइड बाई डी टी को, तो यहाँ से क्या मिलेगा ये जरा सॉल्व करो। 10³ से वो टर्म डेसिमल खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे आपका 17 × 2 मतलब 34, 3/34, और ये होगा बच्चों मोल पर हावर। और मोल पर हावर को फिर अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, yes, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केजी लेके पूछा गया ना, तो बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, अरे ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर से कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे, तो फिर हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/34 इंटू 2 × 10³-3, और ये होगा बच्चों केजी पर हावर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ जरा इजी, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ओके यस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर, रेट लॉ, एक नया कॉन्सेप्ट है रेट लॉ, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको, यस मजा आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, मजा आ रहा होगा नहीं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, गलतियां कहाँ होती हैं, ठीक है, यस। तो यहाँ देखो, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यस, इन एनी केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज
डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, विच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको स्टार्ट, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो टर्म लिखा है यहाँ पे बहुत बार बच्चों को फंसाया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो रेट लॉ है क्या, रेट लॉ बेसिकली है इन एनी केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, सबको आता है, क्वेश्चन दूंगा ना सब फंस जाएंगे क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते हैं इसलिए। तो एक में यहाँ पे मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो मैं लेता हूँ जैसे मैंने लिया है N1A plus N2B इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक सिंपल सी रिएक्शन ली है मैं, तो इसका रेट अगर मैं लिखना चाहूँ रेट लॉ से तो क्या होगा, तो बेटा ये होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नाउ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या होगी, ए की पावर क्या होगी N1 या कुछ और, ए की पावर N1 होगी या कुछ और होगी बताओ मुझे। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या बोला गया है, नहीं N1 इज रॉन्ग आंसर, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली, इफ इट इज एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ की हम बात कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंटली है, अगर मैं यहाँ से रेट लॉ निकाल रहा हूँ इस गिवन रिएक्शन के लिए, तो जब मैं रेट लॉ निकाल रहा हूँ तो एक्सपेरिमेंटल है ना डाटा, तो जब एक्सपेरिमेंटल है तो बच्चों जरूरी कि वो N1 होगा या N2 होगा, तो ए की पावर जरूरी कि बच्चों N1 होगा, सब कुछ भी हो सकता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल ना, मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पे जो पावर जा रही है वो आपकी एनी हाउ कुछ भी हो सकती है, आपकी N1 N2 भी हो सकती है, आपकी P और Q भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, ये पूरी बात पहले से बताओ, ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल के साइन को निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, तो प्रोपोर्शनल अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू के, इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो जब ये एक्सपेरिमेंटल है तो डाटा हमारा इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। अच्छा, इसको ना कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए, ध्यान देना, थोड़ा और डाटा लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ तो P इक्वल टू N1 हो सकता है, Q इक्वल टू N2 हो, यस हो सकता है, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, P इक्वल टू, अरे भाई कंडीशंस बदलते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपका यहाँ पे एक कॉफिशियंट जो दिख रहा है उसकी वैल्यू बदलती जाएगी ना, यस, तो फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी आपका यहाँ पे N1 नहीं भी हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ तो क्यू आपका यहाँ से N2 नहीं हो सकता है, ये भी बात भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे पी प्लस क्यू ये एडिशन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपकी N1 plus N2 है, ठीक है, इससे अधिक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ठीक है, हम इस तरीके सिंपल बना सकते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं फाइनली यहाँ पे क्या लिखूँ, फाइनली लिख सकता हूँ कि PN जो Q है वो एनी वैल्यू, PNQ इज एनी वैल्यू, देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो P और Q कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इक्वल भी हो सकता है इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए जब वहां पे लिखते हैं ना थ्योरेटिकल तो वहां पे होता है मे और मे नॉट बी इक्वल लिखा होता है ना, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक छोटा सा मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ उससे समझ में आया, मैंने लिखा यहाँ पे H2 plus Cl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ HCl, ये रिएक्शन लिखा है मैंने, तो मैं अगर इसके रेट लॉ के बारे में पूछूं तो आप क्या लिख सकते हो यार, कुछ भी रिमान लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका H2 इसकी पावर सपोज 0, लिख सकता हूँ मैं, हो सकता है ऐसा, Cl2 इसकी पावर 0 बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो गिवन ऑप्शन में ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड में आपको यहाँ पे दूँ बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, यस, प्लस आपका यहाँ से Br2 लिखा एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 HBr, तो मैं इसके रेट लॉ में कैसे लिखूँ, R इज इक्वल टू यहाँ से K, यहाँ से H2 इसकी पावर 1 भी लिख सकता हूँ, Br2 है इसकी पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो बोथ आर करेक्ट, कोई गलती नहीं है, 1/1 भी हो सकता है बिकॉज हाइड्रोजन ब्रोमीन का जो कॉफिशियंट है वो 1/1 है, तो 1/1 भी पावर आ सकता है, यहाँ पे 1/1/2 लिखा है तो वो भी कोई गलती नहीं है, 1/2 यहाँ लिख लो, 1 यहाँ लिख लो तो भी कोई गलती नहीं है, 0/0 लिख लो वो भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज दीज आर जे एक्सपेरिमेंटल, इट इज क्लियर, पहले दिमाग में ये बिठा लो, पहले दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो, एनी वैल्यूज, यस इट इज एनी वैल्यूज, ठीक है, यस yes. एक छोटा सा और लेता हूँ, चलो यहाँ पे रिएक्शन और समझाने के लिए, जैसे लिखा है मैंने H2 plus I2, ठीक है, H2 plus I2 फॉर्मेशन ऑफ 2 HI, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू के,
ठीक है, इसकी H2 की पावर में क्या लिखूं, 1 भी लिख सकता हूं, I2 की पावर में यहां पे 1 लिख सकता हूं, इट इज आल्सो करेक्ट। मैं लिख सकता हूं R इक्वल टू और करके लिख सकता हूं मैं, ये भी क्वेश्चन कि R इक्वल टू H2 इसकी पावर 0 और I2 इसकी पावर व्हाटएवर जो दिमाग में आ रहा है 1/2 भी लिख लो, बिकॉज़ दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डाटा। बात समझ में आ रही है, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो यहां पे वैल्यूज हमारी कुछ भी हो सकती हैं। इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ये बात समझ में आई दांव में बैठी। यस, अब बात करते हैं बच्चों रूल्स की तरफ, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेट लॉ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, लॉज पे बात करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट लॉ लिखते हैं, ध्यान दो। यस, सो अपन ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन द रेट लॉ इज अनप्रिडिक्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस कितनी बार आया है, अनप्रिडिक्टेबल टिक करना होता है, डी ऑप्शन इज अनप्रिडिक्टेबल, उसको भी टिक करना होता है, वो भी आंसर होता है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन हाइपोथेटिकल अगर क्वेश्चन में दे रखी है, तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा बच्चों वो कैसा होगा, अनप्रिडिक्टेबल। इट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, लिखा है मैंने यहां से एग्जाम्पल में 2a + b नाउ फॉर्मेशन ऑफ c। ध्यान दो, 2a + b फॉर्मेशन ऑफ c आपका प्रोडक्ट, तो रेट लॉ बताओ जरा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बताओ जरा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि इस गिवन क्वेश्चन के रेट लॉ क्या होगा, बताओ जल्दी से। आपको नहीं पता a कौन सा रिएक्टेंट है, b कौन सा प्रोडक्ट है, c कौन सा क्या है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दे रहा, कोई रिएक्टेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एटम्स नहीं है, तो आंसर बच्चों क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल। सीधा टिक करना होगा कि आंसर विल बी अनप्रेडिक्टेबल। कितना इजी है कि नहीं बताओ। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, रूल्स की बात कर रहे हैं रेट लॉ के लिए, तो फर्स्ट इज क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड को, ध्यान से सुना बेटा, सेकंड में बात कर रहा हूं मैं फॉर एनी एलिमेंट्री का मतलब बच्चों यहां पे लिख रहा हूं मैं सिंगल, ठीक है। फॉर एनी एलिमेंट्री सिंगल और सिंगल स्टेप करके, ठीक है, रिएक्शन, then rate law is according to, हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको जैसे कोई भी रिएक्शन अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें रिएक्टेंट के बारे में नहीं इतना पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल आंसर, ठीक है, हाइपोथेटिकल के लिए। अगर कोई एक ऐसी रिएक्शन दे रखी है जहां पे आपको एक ही स्टेप दे रखी है कि रिएक्टेंट ये है सर, कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट के अंदर, एक ही स्टेप है, तो वहां पे हम लोग रेट लॉ कैसे निकालेंगे। तो रेट लॉ बेटा हम उसी से निकालेंगे जो गिवन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन से भी हम क्या निकालेंगे, वही स्लो स्टेप होगी, उसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ गया। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं तो और बेटर समझ में आएगा इसको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2a + b फॉर्मेशन ऑफ c, ये आपकी लिखा है क्वेश्चन में कि इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, देन रेट लॉ, तो क्या निकाला जाएगा। तो बच्चों देखो सीधा सा है, ये रिएक्शन दे रखी है और उसने क्या बोला है, उसने बोला कि रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है, ऐसा तो नहीं बोला ना कि एक रिएक्शन दे रखी है उसका रेट लॉ निकालो। अगर एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं करता तो हमारा आंसर क्या होता, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता, समझ में आ गया, कुछ भी आंसर नहीं बनता। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एलिमेंट्री वर्ड उसने यूज कर दिया है ना, तो फिर आपका यहाँ पे रेट लॉ बनेगा R = K a की पावर जो कॉफिशियंट है इसका 2 और जो b दे रखा है उसकी पावर 1, तो दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री वर्ड यूज किया करेगा, नहीं करेगा तो आंसर बनेगा पहले वाले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई, क्लियर हो गया, दोनों स्टेप समझ में आ गई, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चों जो आपका रूल आने वाला है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन then the rate determining step, then the RDS will be
इसको हम रेट एंड स्टेप बोलते हैं, देन द आरडीएस विल बी स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। तो आरडीएस ही क्या होगी आपकी, स्लोएस्ट स्टेप होगी, और आरडीएस जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वहीं से बच्चों निकलेगा आपका, और जो आरडीएस दिख रहा है ना, आरडीएस इज द स्लोएस्ट स्टेप, जहां से हम रेट को डिफाइन करते हैं, तो यहीं से बच्चों क्या मिलेगा, जो आरडीएस होगी वही आपकी होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आरडीएस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन आरडीएस होगी तो वहीं से आपका रेट लो निकल के आ जाएगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार समराइज करते हैं, ध्यान दो मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कि अगर क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं किया है, अगर डायरेक्ट बोला गया है तो रिएक्शन इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्री वर्ड यूज किया, सीधा उसी से आंसर निकाल देना, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो तीन चार रिएक्शन दे रखे होंगे, उसमें खोजना होगा जहां पे लिखा हो स्लो स्टेप, ठीक है, रिएक्शन के सामने लिखा होता है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप लिखा होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी स्लो स्टेप को पकड़ना है और वहीं से आपको रेट को निकालना होगा, बिकॉज वही स्लो स्टेप क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और एलिमेंट्री रिएक्शन से ही हम लोग रेट को निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ओके। एक नोट और लेते हैं छोटा सा, लास्ट नोट, अगर मैं बात करूं इफ इन आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एनी इंटरमीडिएट इज और आर प्रेजेंट देन it will be eliminated by using KC लगा के उसको बाहर निकालना होगा, ठीक है, यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KC को निकाल लगा के उसको बाहर करना होगा। तो मतलब क्या, कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी वही आरडीएस होगी, अरे एलिमेंट्री रिएक्शन ही आरडीएस होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं रिएक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जब हम बात करेंगे ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा एक इंटरमीडिएट बीच, तो इंटरमीडिएट मिलेगा, तो उस इंटरमीडिएट को आपको एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम केसी का यूज करें। केसी आपको अभी बताया मैंने, केसी कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, रूल समझ में आ गया, चलें स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा, समझो, है ना, बेटर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहां से, A2+B2 फॉर्मेशन ऑफ 2AB, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, जरा निकालते हैं बच्चों इसका रेट लॉ, इसका निकालेंगे हम लोग रेट लॉ। तो इसका मैकेनिज्म नीचे क्वेश्चन में दे रखा है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आंसर विल बी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में मैकेनिज्म भी उसने दे रखा था कि भाई ए टू से कन्वर्ट हो रहा है आपके 2A के अंदर, और लिखा था सामने स्लो स्टेप, ठीक है, और दूसरा दे रखा था कि 2A+B2 और ये कन्वर्ट हो रहा था 2AB के अंदर, ये है आपकी फास्ट स्टेप, तो बताना था रेट लॉ, रेट लॉ के बारे में आपको बताना, सॉल्व करो इसे, बताऊं मैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, इसका मैकेनिज्म दे रखा है, ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या होगी, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप आरडीएस होगी, आरडीएस ही आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, और एलिमेंट्री रिएक्शन से हम लोग रेट को निकालेंगे, तो रेट यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल के, और ए टू आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ए टू की पावर कितनी, 1, ये बात समझ में आ रही है, ए टू की पावर 1, अरे कोई दिक्कत है इसमें, बताओ जरा, ए टू की पावर 1, इजी हो गया आंसर, अरे हुआ ना आंसर, यस, यही तो रिएक्टेंट था, अरे रिएक्टेंट ए टू तो था, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, बस हो गया सिंपल सा आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है A2+B2 फॉर्मेशन ऑफ 2AB, और यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म सेक्शन दे रखा है नीचे कॉम्प्लेक्स सेक्शन के पर्पज से, कि ए टू से कन्वर्ट हो रहा है 2A, और ये रिएक्शन आपकी है अब फास्ट रिएक्शन, और सेकेंड में उसने दे रखा है 2A+B2 इससे कन्वर्ट हो रहा है 2AB, और ये है आपकी स्लोएस्ट, ठीक है, अब बताना है रेट लॉ, अब इसका रेट लॉ क्या होगा बताओ जरा, अब इसका रेट लॉ कैसे होगा, चलो मैं बताता हूं इसको, ठीक है, एक बार इसको मैं हेल्प करता हूं, ओके, देखो ये आपकी स्लो स्टेप है, और यही स्लो स्टेप क्या होगी, आरडीएस, और आरडीएस ही क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, तो हम इसी को फॉलो करेंगे,
इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से आर क्या होगा, आर हो जाएगा कैपिटल के ए की पावर टू और बी टू, यही होगा भाई। ए दिख रहा है और बी टू दिख रहा है तो लिख लिया मैंने यहाँ पे, बट हमारा रिएक्टेंट क्या था उसको भी तो समझने की जरूरत है कि ए यहाँ पे क्या आ रहा है भाई। ए तो आपका इंटरमीडिएट है ना, ये देखो ये तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट है, दोनों जगह दिख रहा है, तो इंटरमीडिएट को बाहर निकालना है, मतलब ए को बाहर निकालना है। ए आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसको बाहर कैसे निकल, तो मेरे होता केसी फॉलो करो, तो बस केसी लगा लो। तो केसी इज इक्वल टू क्या करेंगे, केसी हम कौन से किसको जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेप को उठाएंगे और केसी निकालेंगे। तो केसी क्या बनेगा बताओ, यहाँ से ए दे रखा है तो ए की पावर टू हो जाएगी, कोफिशियंट टू है, और नीचे आ जाएगा आपका ए टू। बात समझ में आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से कि भाई ए की पावर टू इज इक्वल टू के सी इंटू ए टू ना, और मुझे ए को बाहर निकलना था तो ए की पावर टू यहाँ पे डिफाइन हो गई ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को उठाऊ एक एक और इसको सीधा वहां पे पुट कर दो। अरे भाई ए की पावर टू दे रखी है, सीधा उठा के वहां पे पुट कर दो, तो रेट क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू बन जाएगा कि तो पहले से प्रेजेंट था, ए की पावर टू रखेंगे तो ये के सी आ जाएगा, के इंटू के सी, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से ए टू, और ये नीचे आपका बी टू साथ में रहेगा। बात समझ में आ गई है, के इंटू के सी को मैं क्या ले सकता हूँ, के डैश, तो यहाँ से निकल के आ गया ए टू इंटू बी टू। क्या पूरी बात समझ में आई, इट इज क्लियर, रेट लॉ समझ में आया इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जरा उसे होमवर्क से करके, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मोल ऑफ ओजोन ये कन्वर्ट हो रहा है थ्री मोल ऑफ ओ टू के अंदर, और इसका मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ देता हूँ कि ये आपका ओजोन ये कन्वर्ट हो रहा है ओ टू प्लस निसेंट ऑक्सीजन के अंदर, ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड आपका है ओजोन प्लस निसेंट ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो रहा है टू मोल ऑफ ओ टू, और ये आपकी यहाँ से है स्लो स्टेप, ठीक है, और निकलना है इसका रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ आपको यहाँ से इसका फाइंड आउट करना है, ये आपका यहाँ से होमवर्क, ठीक।